लोग भले आप हमारे भाई हो, लेकिन जितने बड़े घराना है समूह को परचेज करके रख लिया गया है। और जो भाषा उन लोग बोलते हैं वही भाषा वहाँ तक बोला जाता है। जनता की आवाज आज से निकलेगी और जनता की जो ये आवाज और दर्द के रूप में जो निकलेगा सही बारे में असली भारत वही होगा। और भारत सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आवाम की आवाज को देखते हुए इसको वापस ले लिया नहीं लगी तो ये जो इत्तेदाद है पूरे मुल्क पैमाने पर इत्तेदाद चलता रहे। उसी पहचान पत्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं। इसलिए भारतीय मित्र पार्टी इनका विरोध कर रही है कि एनआरसी भारत में हम लोग लागू नहीं होने देंगे और नहीं एनआरसी को हम लोग मानेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।